इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जॉन विक स्टाइल एडिटिंग आप अपने फोन पर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी फोटो इंपोर्ट कर लेनी है पिक्सआर्ट में और उसको एज ए स्टिकर बना लेना है। उसका बैकग्राउंड निकाल लेना है अच्छे से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी, जो कि मैंने ये सिलेक्ट किए है क्योंकि मेरे को ये काफ़ी सही लग रही थी। आप अपने केस में कोई और ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पर ब्लर ऐड किया है ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड पता चल जाए देखने से। ब्लर ऐड करने के बाद मैंने ब्लर में थोड़ा फेड ऐड किया है। उसके बाद मैंने अपने मॉडल को सबसे टॉप में लाया और उसके बाद उसके जो एजेस हैं उसको रिफाइन करने की थोड़ी कोशिश की, ताकि जो इम्परफेक्शन हैं और या फिर जो बैकग्राउंड के एजेस हैं पीछे दिख रहे हैं येलो कलर के, वो ख़त्म हो जाए। मैं काफ़ी हरी में कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी फ़ोटो के लिए जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सूट ऑलरेडी बना लिया है पहले ही, आप मेरी फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियो में देख सकते हैं मैंने ये कैसे बनाया है। ये सूट को मैंने मॉडल के शोल्डर्स के साथ फिट करने की कोशिश की है और नेक के साथ लाइन किया है। उसके बाद मैंने मॉडल के पीछे से जो उसका कॉलर विजिबल था उसको मैंने धीरे धीरे इरेज करना शुरू किया है और मॉडल के शोल्डर्स भी, ताकि फ़ोटो काफ़ी सही तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। उसके बाद मैंने फिर से वही स्टिकर लिया है ताकि मैं मॉडल के हैंड्स हैं जो उसकी लेयर को ऊपर रख सकूं। आपको ओपेसिटी चेंज करने के बाद अपनी हैंड पोजीशन पे फिट करना है। उसके बाद आपको बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत ही एक्यूरेट वे से जो हैंड्स हैं उनको इरेज करना है। यस, आपको इरेज करना है उनको। मैं आपको अभी बताता हूँ आपको इरेज़ क्यों करना है। आपको बहुत ही सही तरीके से और एक्यूरेटली हैंड्स इरेज करने के बाद इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। इन्वर्ट के बाद आपको देख लेना है कि आपके हैंड्स अच्छे से फिट हो चुके हैं या नहीं। उसके बाद जो भी आपको साइड से बॉर्डर्स होंगे बैकग्राउंड के, उनको इरेज करना है। और उसके बाद स्टेप आ जाता है गन्स ऐड करने का। देन गन जो है उसके बाद गन को ऐड करना है काफ़ी सही तरीके से। मेरे से यहाँ पहले थोड़ी सी गलती हो चली थी क्योंकि मैंने गन को सही तरीके से ऐड नहीं किया था। आपको थोड़ा ज़्यादा ही इरेज करना है ताकि जब आप गन को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करो तो वो काफ़ी एक्यूरेट और सही तरीके से फिट बैठ जाए। उसके बाद मैंने जो गलती की थी उसको मैंने सही किया। फिर देन अगेन मैंने सभी एजेस को परफेक्ट किया और सेम दूसरे हाथ में भी ऐसे ही किया। उसमें मैंने गन की फ़ोटो ली, उसको इन्वर्ट किया, सेम गन की फ़ोटो को हाथ में फिट किया और उसके बाद धीरे धीरे इरेज करके उसको ड्रॉ करते चला गया बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। गाइज, मैं ये ट्यूटोरियल काफ़ी हरी में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा जस्ट मोटिव है आपको बताना कि आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपनी फ़ोटो एडिट करते वक्त आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। पहले आपको सारी फ़ोटो को इमर्ज कर लेना है, उसके बाद आपको एडजस्ट में जाकर सब कुछ डार्क कर देना है। ये डार्क करने का एक ही मोटिव है कि अब शेडोज़ ऐड करनी है जो गन के साथ हैंड में नहीं है। उसके बाद सब कुछ ऐड करने के बाद इन्वर्ट करके जहाँ पे आपको लगता है कि शेडोज़ की ज़रूरत है वहाँ पे हल्का हल्का पेंट करना शुरू कर दें। और ध्यान रखें आपका ब्रश काफ़ी हल्का होना चाहिए। ब्रश हल्का करने के बाद आप धीरे धीरे पेंट करें। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको फिर से एडजस्ट टूल में जाना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, मेरे को सही लग रहा था इसलिए मैंने किया। मेरे को एक्चुअली कलर्स काफ़ी कम लग रहे थे इस फोटो में, तो मैंने इसमें काफ़ी कलर्स चेंज किए। मेरा ये करने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि जो बैकग्राउंड है उसमें मैं अलग से कलर ऐड करूँ, जैसे येलो और ग्रीन, क्योंकि ब्लू टिंट उसमें ऑलरेडी एडिड है। देन मैंने ह्यू को चेंज करके उसको इन्वर्ट करके साइड से इरेज किया और दो कलर्स ऐड किए। थर्ड कलर ऐड करने के लिए मैं ड्रॉ टूल में गया, एक सिंपल लाइन ड्रॉ की और उसको इतना बड़ा कर दिया ताकि वो एक ग्रेडियंट लगने लग जाए। उसके बाद मैंने इसका स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड पे रख के ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी और उसके बाद मैंने फ़ोटो को सेव कर लिया ड्रॉ टूल में जाकर। जॉन विक का टेक्स्ट ऐड करना भी अगेन आपकी विश है, मेरा मन किया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगेन आपकी प्रेफरेंस चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट सेम कॉपी करना है। लाइटरूम ओपन करने के बाद आपको इसमें काफ़ी कंट्रास्ट ऐड करना है पहले तो, फिर हाइलाइट्स कम करने के बाद आपको शेडोज़ वाइट्स और ब्लैक भी कम करने हैं। देन अगेन आपको वार्म रखनी है या कोल्ड रखनी है टोन, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
फिर मैंने सभी कलर्स को धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू किया। देन उसके बाद हर कलर को स्पेसिफिकली बैलेंस करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड किया। देन गाइज इफेक्ट में जाकर मैंने टेक्सचर और क्लैरिटी ऐड किया था। उसके बाद मैंने डीहेज को थोड़ा कम ही रखा है। फिर मैंने विग्नेट ऐड किया। विग्नेट ऐड करने के बाद मैंने उसको एडजस्ट किया। देन उसके बाद आ जाती है स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग में मेरे को दो कलर्स मेन चाहिए थे, जो थे ग्रीन और ब्लू। तो मैंने जो ग्रीन टिंट है उसको मॉडल के ऊपर रखा और जो ब्लू टिंट है उसको मैंने पूरी होल इमेज में रखा। ये सब मर्ज करने के बाद थोड़े से चेंजेस और किए मैंने, और उसके बाद मैं इमेज की शार्पनिंग थोड़ी बढ़ाई। देन मैं सिलेक्टिव मोड में जाकर मैंने दोनों साइड्स और बॉटम से मैंने शेडोज ऐड करना शुरू कर दिए, बिकॉज अल्टीमेटली हर फोटो के अंदर लाइटिंग होनी ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइटिंग की डायरेक्शन सही है तो आपकी फ़ोटो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी, चाहे आपने कितनी भी एडिट क्यों ना की हो। देन उसके बाद बॉटम में भी मैंने सेम ऐसा ही किया है, लेकिन उसमें मैंने एक्सपोज़र थोड़ा कम रखा है। बॉटम में मैंने एक्सपोज़र कम रखा है ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड मेंटेन रहे। देन उसके बाद अगेन मैंने सबकी कलर टिंट मैच करने की कोशिश की। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे को मेरा वो रिज़ल्ट मिलने लग गया जो मैं चाहता था। बस कुछ ट्वीक्स और मेरी फ़ोटो ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली है। गाइज आप अपनी फ़ोटो के साथ जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जितने एक्सपेरिमेंट आप करेंगे आपको उतना ही नॉलेज होएगा। बाकी अगर आपको कलर साइंस के ऊपर अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा कि एक्चुअली में ये सब ट्वीक्स काम कैसे करते हैं। देन फ़ोटो को सेव कर लेना है, और एंड में गाइज आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से एंड रिज़ल्ट इस तरह का बन जाएगा, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। तो गाइज जैसा कि आपने देखा काफ़ी इजीली इस फोटो को मैंने फ़ोन पे एडिट कर लिया। अगर आपको ये मेरी की हुई मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्यूचर वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।